दीपक सोनकर जी, आपने समाजवादी पे आरोप लगाए, समाजवादी ने कई लोगों के नाम बता दिए, बोले भाई अतीक तो ठीक है, मुख्तार ठीक है, लेकिन ये जो ब्रजेश हैं, चुलबुल हैं और तमाम नाम बताए, ये सब लोग तो भाजपा कहाँ पुष्पित पल्लवित हुए हैं। सोनकर जी देखिए अमिताभ जी, जी ये आरोप नहीं है, ये आरोप के साक्ष्य सिद्ध हो रहे हैं, और जो साक्ष्य तस्वीर के माध्यम से सिद्ध हो रहे हैं वो भी हमने देखे हैं, और तस्वीर फोटो केवल फोटो वहां की नहीं है, फोटो समाजवादी पार्टी के कार्यालय की है। कोई व्यक्ति कार्यालय में तब जाएगा या जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा होगा या समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होगा या और लगातार मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाएगा तो पूरा समर्थन है। और मैं इस बात को यह जोड़ना चाहता हूं कि हमेशा से इस विषय को और अपराधी को संरक्षण देना और उसको माला पहनाना और उस पार्टी को उसमें राजनीति करवाना, माने किस पार्टी, समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही एमपी बने, एमएलए बने, तो किसने बढ़ावा देने का काम किया। और रही बात, देखिए आपने ही अपनी रिपोर्ट में अभी कहा कि निश्चित तौर पर जिस तरीके से कभी कार्रवाई नहीं हुई, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो दोषी है उसका कार्रवाई करने का काम किया, और एक बात आप जनता में भी जोड़ी किसी के, भाई हम लोग ये प्रयास करते हैं कि कोई गुनाहगार मतलब छूट जाए तो ठीक है, मगर देखना नहीं छूटना चाहिए, और यहाँ तो जो गुनाहगार है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हुए अपराधी और माफियाओं को संरक्षण देने वाले लोग हैं, मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से सामने पूरी रूपरेखा आ रही है और चाहे प्रयागराज की घटना हो, पूरी घटना सामने आ रही है और कोई ये मुख्य आरोपी माने इसी पूरे हत्याकांड की जो पूरा मास्टरमाइंड है उसका साथ उसका संरक्षण पूरा दिया जाता है, तो ये विषय हमेशा से देश की जनता और प्रदेश की जनता जान रही है। और लगातार ये तो एक उदाहरण सामने आया है अमिताभ जी, मुझे लगातार ये पन्ना खुला है, अभी तो बहुत सारे पन्ने खुलने बाकी के, सारे पन्ने खोल दो, मैं तो हमेशा कहता हूँ सारी पार्टियों के मित्रों से आग्रह करता हूँ एक दूसरे की पूरी पोल खोलो, लेकिन आप लोग भी तो साठ गांठ वाले आदमी हो। देखिए अमिताभ जी, मसला तो ये है भैया, हम तो कहते हैं सबका की पोल खोलो, उसको उनको सांसद किसने बनाया है, उनको एमपी किसने बनाया है, उनके चिंटुओं को फोटो किसने खिंचाया है, उनके समर्थनों के साथ में फोटो किसने खिंचाया है, उनको पार्टी का कार्यकर्ता किसने बनाया है, ये विषय भी तो देश की जनता प्रदेश की जनता जान रही है और जनता जनार्दन परफॉर्मेंस पे काम देखती है। और जो उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंसी के अंदर कानून व्यवस्था है, जो दोषी है उस पर कार्रवाई हुई है, और निश्चित तौर पर ये उदाहरण है प्रयागराज का, ये उदाहरण है प्रयागराज का, जो दोषी होगा उसके निश्चित रूप से उनसे दंड कार्रवाई बड़ी होगी, और ये दूसरे लोगों के लिए भी नसीहत है कि जो 10 बार अपराध करने से पहले सोचेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कि वही उत्तर प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश को दंड नहीं होगा, उत्तर प्रदेश जो वही उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम किया, जो माफियों के संरक्षण होगा उत्तर प्रदेश में, तो वही उत्तर प्रदेश की तस्वीर आज बदली है अंका जी। ठीक जैन साहब, आपको शायद शायद क्या जरूरी याद होगा, एक आपकी बिरादरी के अधिकारी थे सागर साहब, मैं पूरा नाम भूल रहा हूं, तो इलाहाबाद में पोस्टेड थे, एक किसी अवसर पर अतीक उनके हत्थे चढ़ गया, क्या वो गुस्ताखी कर दी अतीक को पकड़ने की, वो हमको बता रहे थे, अब तो रिटायर हो गए, उनके परिवार में भी बहुत सारे लोग आईएएस आईपीएस हैं, प्रतिष्ठित परिवार है, बोले भाई साहब आफत हो गई, क्या डीजीपी ने पागल कर दिया फोन करके, बोले पागल हो, किसको पकड़ लिया, तुमको अपनी नौकरी की तो चिंता नहीं, मेरी भी खाओगे क्या। ऐसे में ये लोग ताकतवर नहीं होंगे जैन साहब, तो क्या कौन ताकतवर होगा, कोई गिरेकर तो ताकतवर नहीं हो सकता ना, उसके लिए तो फिर अतीक मुख्तार यही लोग ताकतवर होंगे जैन साहब, नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ये जो 100 से अधिक आपराधिक मुकदमे वाले व्यक्ति हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं, ये मुकदमे ऐसे ही कायम नहीं होते हैं, इनको पूर्ण रूप से राजनीतिक संरक्षण मिलता है, इतना बाहुबल रहता है, धन बल रहता है,
बड़े से बड़े वकील खड़े करते हैं, मुकदमे कायम करा देते हैं पुलिस वालों के खिलाफ, इस्तगासे कायम करा देते हैं, उन इस्तगासों को प्राइवेटली पुलिस कर्मियों को लड़ना पड़ता है। इतने पुलिस ऑफिसर जो है वो जो फील्ड में तैनात है उसके काम में कभी भी कोई कमी ढूंढी जा सकती है, किसी भी एनकाउंटर में जांच बैठाई जा सकती है, किसी भी गिरफ्तारी में जांच बैठाई जा सकती है। हमारी 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 प्रक्रिया कुछ इस प्रकार की है। तो इसलिए ये जो एक बड़ा दबाव बनाकर रखते हैं और जो बहुत से पुलिस कर्मी इसी वजह से ऐसे अपराधियों के साथ मिली भगत भी कर लेते हैं, उनके साथ सांठगांठ भी कर लेते हैं कि जब हम कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं इनका, तो कम से कम इनका साथ ही लेकर चलें तो उससे कुछ अपना भी लाभ होगा। तो ऐसे कुछ हैं पेशेवर पुलिसकर्मी जो जिन्होंने कि ऐसे लोगों को संरक्षण दिया है। जो भी माफिया उत्तर प्रदेश में बहुत नाम कमाए हैं उन सबको किसी ना किसी तरीके से परोक्ष अपरोक्ष रूप से पुलिस विभाग का भी साथ मिला, एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ मिला, और मिला इसी वजह से जब एक इशारा हो जाता है कि इसको नेस्तनाबूद करना है तो एकदम से पुलिस का प्रशासन का सबका रुख बदल जाता है और कार्रवाइयां सख्त प्रारंभ हो जाती हैं। मैं तो यही कहूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी विचाराधीन है कि कोई भी अपराधी टिकट ना पाने पाए। सभी राजनीतिक दलों से अपील की जानी चाहिए कि किसी भी दागदार व्यक्ति को कोई टिकट ना दें, तभी प्रदेश का माहौल सुधरेगा, तभी प्रदेश का नाम सुधरेगा और तभी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा। ये जैन साहब, इन्वेस्टमेंट तो परे छोड़ो, आदमी के प्राण तो बचे, जीवित रहेंगे तो खुद भी कुछ कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट ना आए तो भी मूंगफली बेच लेंगे, जिंदा तो रहें। ये जो झोले में ऐसे बम फेंक रहे हैं जैसे कंचे फेंक रहे हूं, छोड़ो इन्वेस्टमेंट, हम तो कर जान तो बचे। ये स्थिति परिस्थिति पैदा हो गई क्या मनोज जी? ये बीजेपी कह रही है कि अगर पार्टी के ऑफिस में जाके ऑफिशियली व्यवस्था के ऑफिस वाली व्यवस्था के तहत ये सदाकत मिला है तो इसका मतलब मामला गंभीर है। ये किसी शादी ब्याह तिलक गौनार और रौना में जनता की उसमें बीच में फोटो आ जाए वैसा मामला नहीं है ये कह रहे हैं। बगल में एक फोटो और है ऋचा सिंह की जो भगवान राम पुरुष मॉडल जी दो बार की वहां से आने वाले प्रत्याशी रहे हैं वही लेके गई थी और उनका फोटो भी है, देख लेना चाहिए था। भगवान राम स्वागत करते करते चुनाव जीतने का इतना शौक था कि अपराध और अपराधियों को भी लेके चली गई थी मिलवाने के लिए। खैर, उस बात को अगर मैं दोहराऊंगा तो मेरे ख्याल से जो बात आ गई मीडिया में, आज की दैनिक जागरण की खबर है, भाजपा नेता का भाई उमेश हत्या कांड का मास्टरमाइंड, दैनिक जागरण की खबर कहां से? प्रयागराज से। और खबर क्या है कि इनकी ही पार्टी का जो नगर अध्यक्ष है अल्पसंख्यक मोर्चे का राहुल हसन, उसका भाई है गुलाम, उसका नाम है गुलाम, जो मास्टरमाइंड है वो भी FIR दर्ज है धूमनगंज थाने में और आरोप लगा रहे समाजवादी पार्टी अपराध को पोषित करे। खैर, ये ना हो भाजपा को तो अच्छा है, लेकिन दैनिक जागरण को कूटना चाहिए अगर गलत लिखा है भाजपाइयों को। नहीं कूटते हैं तो मेरे ख्याल से नई परंपरा होगी। यूपी आपी के TV9 की खबर है, ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आपी के, और खबर क्या है? यूपी योगी आदित्यनाथ की सरकार में 52 में से 22 मंत्रियों के आपराधिक रिकॉर्ड, सजा हो जाए तो 44% की विधायकी चली जाएगी। ये मेरी नहीं है, TV9 की रिपोर्ट और इसके जो एडिट बाई दिव्यांश रस्तोगी है और राजा पाल है, ये लिखा है और आदि की सुबह 3:25 की खबर है। ये तो सोशल मीडिया गलत नहीं बताएगी। मैं ये कह रहा हूँ, ये सब मैं इसलिए बताना पड़ रहा है मुझको कि आखिर अपराध को लड़ने का योगी आदित्यनाथ का, मिट्टी में मिला देने का जो ये दृढ़ संकल्प है, ये किस तरह का है? जब बनारस की जेल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं तो 2 घंटे किस वाले माफिया से मिलते हैं? जिसपे 108 मुकदमे उस वाले से मिलते हैं कि जिसपे 8 मुकदमे उस वाले से मिलते हैं? और मिलते हैं तो जादू क्या होता है, 108 वाला बाहर आ जाता है, बाहर आके वाइस चोरी से वो घूमता है पूरे प्रदेश में और पूर्वांचल में तो माफिया के नाम से मशहूर है वो। क्या उसका पूरा परिवार मशहूर है? उसकी पत्नी इतनी ताकतवर है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में
बीजेपी को हरा देती है। तो अब मैं किस मुंह से कहूं जिस नेता ने 2012 में ही माफिया को ऐसे कर दिया था कि नो एंट्री, 17 में भले सत्ता चली गई लेकिन नो एंट्री, और सवाल बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी से पूछा जा रहा है। उस दौर का जिक्र किया नेताजी के दौर का, मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन दौर तो महाराष्ट्र से लेके बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश सबका करना पड़ेगा। ये टूटी बोलती थी माफियाओं की हर राजनीतिक दल में, पूरा एक तरफ से माफिया राज था, महाराष्ट्र का कोई से छुपा नहीं है, राजस्थान का किसी से छुपा नहीं है, ठीक ठीक ठीक। एक ये भी ओंकार जी, राजनेताओं का एक बड़ा प्री शगल है, जब फंसे तो एडीआर को सामने ले आओ, क्या उसमें एक डिस्क्रिमिनेशन, एक वर्गीकरण होता है। ठीक, मैंने शुरुआत में कहा था कि अतीक से जब मैंने पूछा कि कोई अपराध की धारा बची है इंडियन पेनल कोड से जो नहीं लगी तुम पे, तो बोले ना भैया सब लग गई। क्या उनको सामान्य अपराधों में मुकदमे में आए हुए राजनीतिक लोगों से तो तुलना नहीं कर सकते? एडीआर तो कहता है कि हर पार्टी में 50-60% अपराधी हैं जो जीत के आए। ठीक, क्या उनकी तुलना हम अतीक और मुख्तार से कर देंगे जो नरसंहारों के दोषी हो, जो पैरेलल सिस्टम चला चुके हो इसी प्रदेश में अपने दौर में, जो सिटिंग एमएलए को मार दे, अतीक ने सिटिंग एमएलए इलाहाबाद में मारा, मुख्तार के गैंग ने वहां कृष्णानंद को, वो सिटिंग एमएलए थे उनको मार दिया था,